चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। हमारे अभियान का सहयोग करने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं। नमस्कार साथियों, मैं विशाल, चलचित्र अभियान में आपका स्वागत है। और आज हम पहुंचे हैं केराना लोकसभा सीट के ग्राम मलकपुर, जो जिला शामली में है। आइए लोगों से जानते हैं क्या उनका उनका क्या मत है इस लोकसभा चुनाव में और किस तरह का रुझान लोगों का बन रहा है। यहाँ पर बहुत सारे किसान आंदोलन भी हुए हैं गन्ने के रेट को लेकर। चौधरी चरण सिंह के समय भी बड़े बड़े आंदोलन हुए थे और अभी एक आंदोलन शामली शुगर मिल पर हुआ था। तो क्या सरकार किसानों की मांगों पर खरा उतर पाई है अब तक या नहीं? न तो यहाँ से गंडा का पेमेंट हो रहा है, गंडा का जितना गंडा के जो गन्ना गिरगस का एक भी तक पैसा नहीं आया, पिछले पे भी आए ना, किसी के रोजगार है यहाँ तो खास करके समस्या है। तो अभी 5 साल पूरे हो रहे हैं सरकार के, तो सरकार से आप कितने सहमत हुए हैं इस सरकार में? सरकार ने तो कोई भी काम नहीं करे जी, एक भी यहाँ मेरे यहाँ तो न तो पेमेंट का कहा था 14 दिन में देंगे, 5 साल में नहीं मिले, 5 साल तक नहीं एक बार भी सही मिले, अब तक भी पूरा का पूरा इस साल का पैसा रुके बढ़ आप देते पूरा ही गन्ना जाए जिप का, अरे अब तक तो कोई पैसा आया नहीं, मजदूर को मजदूरी नहीं, किसान को पैसा नहीं, पिछले साल का भी पेमेंट अब तक नहीं आया और सरकार ने कहा था कि 14 दिन में पेमेंट दूंगा। सब लोग भुखमरी के गद्दार में, इसलिए बदलनी चाहिए। काम यहाँ कुछ नहीं हो रहा, काम कुछ नहीं और बस उसमें मीडिया पे तो है अब हम यूँ करेंगे, धरती पे यहाँ कुछ नहीं लग रहा। और जी बच्चों की जो फीस है वो अभी नहीं पूक रही, मेरे बिजली का जो बिल है वो नहीं दिया जा रहा, बताओ कहाँ दे दें, जब किसान का तो यही तो है भाई, पैसा होगा किसी का देंगे और वही हमें मिल नहीं रहा। आपके हिसाब से क्या मुद्दे क्या होने चाहिए? देखो इस सरकार में जो मेन चीज है किसानों की परेशानी वो नहीं देखी इन्होंने, अमीर तो अमीर हो गया इसमें लेकिन जो किसान था वो नीचे चला गया। और भारत जो है एक कृषि प्रधान देश है, देखो मेन बात जो है यहाँ पे कृषि की तरफ ध्यान नहीं दिया गया, बाकी सब मुद्दों पर ध्यान दिया गया। 2014 में क्या था कि मीलें जो होती थी वो सरकार के हाथ में होती थी जी, लेकिन उनका निजीकरण कर दिया। क्या इस चीज पर कभी ध्यान गया है किसानों का कि पेमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या उसकी वजह रही है निजीकरण करना मील की? किसानों के लिए क्या बेहतर वो सुझाव रहे है वे या बेहतर चीज रही है? जैसे देखो जी पेमेंट के मामले तो मायावती जी की सरकार थी सबसे अच्छी, सबसे बेस्ट पेमेंट उसने दिया है, उसके बाद जो भी सरकार है सभी लेट ही है टोटल। और इस सरकार ने तो जो 14 दिन का जो वादा किया था उसमें भी लेट कर दिया इन्होंने, 14 दिन एक साल से ऊपर हो गया किसानों को पेमेंट दी हुई थी। अभी कितना पेमेंट मिला है था? अगले साल की बात ना करो, पिछले सरकार से क्या मांगी है किसानों? डीजल के पास पैसे ढाई कितनी बढ़ा दीजिए और क्या के ओ भाई कुछ दिन से यह सरकार आई लोग लाइन में लगा रखे कागज जो लाइन में खड़े। क्या लगता है आपको सुनी जी क्या माहौल है आपकी बार, क्या मुद्दे हैं लोगों के? मुद्दे तो देखिए हमेशा रहते हैं पर लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां हैं चुनाव के दौरान आके वोटरों से पूछते हैं कि आपकी क्या समस्याएं हैं, समस्याओं को सुन लिया जाता है पर उस पर कार्य नहीं। जो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो जो प्रदेश के अंदर युवा है उसकी ये सामने जो समस्या है सबसे बड़ी समस्या है रोजगार की। रोजगार आज तक कोई भी सरकार इतने बढ़िया पैमाने पर नहीं दे पाई जिससे कि किसी सरकार की या गठबंधन की तारीफ की जा सके। हमेशा युवाओं को रोजगार से वंचित रखने की पॉलिसी जो सरकारों की रही है उसके खिलाफ आज भी युवा कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि जो युवा वोट बैंक है वो नोटा की ओर ज़्यादा बढ़ता जा रहा है क्योंकि उसको लगता है कि मैदान में कोई भी प्रत्याशी अच्छा नहीं है, कोई भी पार्टी अच्छी नहीं है। सबसे बड़ा कारण है कि रोजगार से युवा को वंचित रखना। आज की जो प्रदेश की या देश की जो सरकारें हैं मजदूर किसान विरोधी सरकारें हैं और भारत में आज पढ़ा लिखा मजदूर तैयार किया जा रहा है क्योंकि उनको लगता है कि इनको जितना बहका दिया जाए, जितना इनको मुद्दे से हटा दिया जाए इतना ही अच्छा है। जब से योगी सरकार आई तब से आज तक एक भी कोई भी भर्ती कंप्लीट नहीं हुई है। योगी सरकार ने यूपी पुलिस की वैकेंसी निकाल ली थी, आज तक
पहली वैकेंसी निकाली थी 42,000 की, वह कंप्लीट नहीं है। उसके बाद 49,000 की यूपी पुलिस की वैकेंसी निकाली, वह कंप्लीट नहीं है। वीडियो की वैकेंसी निकाली, वह भी कंप्लीट नहीं है। आज तक कोई भर्ती कंप्लीट नहीं हुई है। और फिर योगी सरकार कह रहा है कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, रोजगार देंगे, तो इससे अब कोई उम्मीद नहीं रही है। दूसरी बात, किसानों का भी मामला बिल्कुल साफ ही कर दिया इन्होंने। तो इसका नतीजा मिलेगा सरकार को? नतीजा मिलेगा भरपूर जी, बिल्कुल। अब की बार पूर्ण बहुमत से सरकार किसी की भी नहीं आएगी, जहाँ तक उम्मीद है गठबंधन की सरकार बनेगी। भारतीय किसान यूनियन जो थी वो एक हिंदू मुस्लिम का एक गठजोड़ माना जाता था जी, किसान आंदोलन के लिए। वहाँ कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होता था, केवल किसान होते थे। बड़े नजरिए से भारतीय किसान यूनियन को देखा जाता था। 2013 के दंगे के बाद कहीं ना कहीं उस यूनियन में, उस संगठन में दीवार बनी और वो कई चीज़ों में टूटी है। लेकिन अब क्या लग रहा है इस लोकसभा चुनाव के, जैसे आप गठबंधन की आप बात कर रहे हैं, और क्या लगता है वो खाई कहाँ तक टूटी है? नहीं, जैसे चौधरी जी सिंह आए ना गठबंधन में, तो वे कोशिश कर रहे हैं कि शायद ये जो दिल का खटास है ये साफ हो जाए और इस गठबंधन में पता भी लग जाएगा। जैसे तब सुन ने लड़ा था चुनाव, उसमें भी पता लग गया। और वही चौधरी जी से इसकी कोशिश भी कर रही है कि ये दिल में खाई हुई फटी हुई है ये दूर हो जाए, उनकी कोशिश भी है और सामने भी आएगी। और ये जैसा चुनाव होने जा रहा है इसमें पता लग ही जाओ। मेरा आपसे सवाल है, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता भी आप रहे हैं और पिछले एक साल से आप काम कर रहे हैं, तो ये जो ध्रुवीकरण देश में हुआ है हिंदू मुस्लिम के नाम पर और गाय के नाम पर लोगों को मारा गया है, और आप देख रहे होंगे कैराना में कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा इनकाउंटर हुए हैं इधर, और उनमें आप भी उन लोगों से मिले हो, और क्या आपको क्या लगता है सरकार की ये किस तरह की नीति है? सरकार के मुस्लिमों के अंदर एक डर की भावना पैदा करनी चाहिए थी गवर्नमेंट। इस तरीके से गवर्नमेंट ने जो भी मुस्लिम लड़के थे, नौजवान थे, पुराने थे, उनको फर्जी एनकाउंटर के तहत मारा गया, और मारने के बाद अगर कोई भी कार्रवाई के लिए खड़ा होता था तो उस पर भी फर्जी केस लगा के उसको अंदर गई। एक तरीके से यानी कि गवर्नमेंट की पॉलिसी थी कि लोगों के जो मुद्दे हैं, लोगों अपने मुद्दों से भटका करके उनको वापस उन्हीं के केस में उलझाया जाए, ताकि सरकार की कहीं बदनामी ना हो और सरकार के खिलाफ किसी की आवाज़ उठाने की हिम्मत ना हो। दूसरी चीज़ ये थी, मॉब लिंचिंग जिस तरीके से हुई और फर्जी केस में जिस तरीके से वो हत्या में पकड़े गए, उसमें सरकार की थी, क्योंकि जब बुलंदशहर इंस्पेक्टर वाला केस हुआ था तो ताकि लोग बाग सरकार पे जो है सवाल उठाने लग जाए, तो सरकार लोगों को वापस उनके मुद्दे में घेरती थी। मुसलमान तबका क्या चीज़ को समझ पा रहा है कि लोगों को बांट कर राज करना है, या ये चीज़ें लोगों की समझ अब आ रही है और इसके नतीजे मिल सकते हैं लोग? पिछली बार की अपेक्षा इस बार युवाओं में बहुत जागरूकता है इस बात की, और देश में भी बहुत परिवर्तन है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है ये हिंदू मुस्लिम के ऊपर राज करना चाहते हैं, लेकिन इस बार लोगों में बहुत परिवर्तन है। इस बार ऐसा नहीं होगा, माहौल के ऊपर चुनाव नहीं होगा। तो लोकसभा चुनाव में तो जो है इस बार ज़्यादातर उम्मीदें लोग गठबंधन सरकार की ही कर रहे हैं, एकमुश्त सरकार तो किसी की नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि जो पिछली सरकार के वादे थे वो तो ध्वस्त हो गए सारे के सारे। बेरोजगारी बढ़ी है, किसान परेशान है भाई, युवा परेशान है, और सबसे ज़्यादा किसान और मजदूर जो है सबसे ज़्यादा परेशान है सरकार के अंदर। और भी, और जो इन्होंने अपने चुनाव बेल्ट पेपर में जो घोषणा पत्र में जो करा था वो कुछ नहीं करा।